Assalamualaikum, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम जो वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये वीडियो है ओडिशा के नीचे दबा था सोना और भारत को खबर ही नहीं थी। सो भाई, ओडिशा जो है, जिसको हम ओडिया भी कहते हैं, वहां पर जो है वो सोना दबा हुआ है और भारत को खबर ही नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्या हुआ, कैसे पता चला, वो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वैसे सुना है कि इंडिया में गोल्ड बहुत 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 ज्यादा है। तो जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। सो यस, ओडिशा के नीचे सोने का भंडार था और भारत को पता ही नहीं था। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और इस बार भारत के ऊपर ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज, और अब ओडिशा के तीन जिलों में सोने के छिपे हुए खजाने का पता चला है, सोन भंडार का पता चला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ओडिशा की जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना दबा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ओडिशा में ढूंढे गए सोने के इन विशाल भंडारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जमीन के नीचे छिपे खनिजों के बारे में आज भी इतनी कम जानकारी क्यों है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की जमीन के नीचे बड़ी मात्रा में व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम भंडार का पता चला था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। और अब भारत के हाथ एक और खजाना रह गया है। यह खजाना ओडिशा की जमीन के नीचे खोजा गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI ने अपने सर्वे में पाया है कि ओडिशा के तीन जिलों में सोने के विशाल भंडार है। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने बताया कि भंडार देवघर, क्यूंझर और मयूरभंज जिले में पाए गए हैं। इसमें मयूरभंज जिले का सूर्यागुड़ा, रुआसिला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल है। देवगढ़ के आदास और क्यूंझर का दिमिरी मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में ये भंडार मिला है। अजय, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस इलाके में इस तरह का कोई सर्वे किया गया हो। साल 1970 और 1980 में GSI का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया था। मगर पिछले दो सालों से GSI इन तीनों जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी, जिसके बाद यह पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन तीन जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद हो सकता है, लेकिन ये तो तय है कि ये सोना हमारे देश के सोने की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारा देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और अभी हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से, जो महंगा पड़ता है। अच्छा, इस भंडार के मिलने के बाद हम शायद दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीरा बुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खानों के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। दोस्तों, उड़ीसा में हुई सोने की खोज से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है, जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इस तरह हमारे देश में कई नए खनिज भंडारों का पता चल रहा है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छिपा है, ये जानना आज भी आसान काम नहीं है। इसीलिए तो सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई सटीक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिससे ये बताया जा सके कि जमीन के किस हिस्से में क्या दबा हुआ है। इसके लिए खुदाई ही एकमात्र माध्यम है, जो कि काफी महंगा पड़ता है और अनिश्चित होता है कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सफलता की गारंटी बेहद कम होती है। सबसे बड़ी वजह है कि कई देश जिनकी जमीन में करोड़ों अरबों के खजाने दबे हुए हैं, वो उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे।
इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो जगह है जहाँ खनिज और बहुत ही कीमती धातुएं मौजूद हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे लेकिन सच है। दुनिया में बलूचिस्तान वो जगह जहाँ पर सोने और तांबे का सबसे ज़्यादा भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान की रेको दिक वो जगह है जहाँ पर आप जितना सोच नहीं सकते उतना सोना मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही पैसा कि वो वहाँ की ज़मीन में छिपे खजाने को निकाल सके, और इसीलिए चीन पाकिस्तान के इस हिस्से पर कब्जा करने के लिए इतना बेचैन है क्योंकि वो इस जगह की कीमत जानता है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी लोहे, तांबे, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। अमेरिका की एक एजेंसी के अनुसार अगर अफगानिस्तान के खनिज भंडारों का प्रयोग किया जाए तो ये सऊदी अरब की बराबरी कर सकता है। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से साल 2010 में यहाँ पर एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में वैज्ञानिकों को अफगानिस्तान में करीब $3 ट्रिलियन मूल्य के खनिज के भंडारों का पता लगा था। इसमें रेयर अर्थ मेटल जैसे कि लैंटम और नियोडियम और एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, पारा, इसके विशाल भंडार। फिर भी इतनी गरीब कारण है कि कभी रूस तो कभी अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की ज़मीन के नीचे इतने खजाने छुपे होने के बावजूद भी अफगानिस्तान एक पिछड़ा हुआ देश है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कमी है। लेकिन इस मामले में ये देश दूसरे देशों की मदद ले सकते हैं जैसे कि सऊदी अरब और दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की, जैसे कि सऊदी अरब ने ली थी मदद, जैसे कि मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रियों ने अपने देश में ऑयल को निकलवाने के लिए ली थी मदद। सऊदी अरब में तेल की खोज एक अमेरिकी कंपनी ने की थी दोस्तों। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हुआ और अमेरिकी कंपनी ने सऊदी अरब की ज़मीन से तेल निकालना शुरू कर दिया जिसका फ़ायदा दोनों देशों को हुआ। और आज सऊदी अरब दूसरे मिडिल ईस्ट के देश किस ऊंचाई पर है ये हम सब देख ही रहे हैं। इसी तरह कई दूसरे देशों की ज़मीन में भी कई तरह के खनिज छिपे हुए हैं लेकिन जानकारी के अभाव में आज भी उनका सही दोहर नहीं हो पा रहा, उपयोग नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि आज भी ना तो कोई ऐसी मशीन बन पाई है जो कि ज़मीन के अंदर छिपे खजाने के बारे में सही जानकारी दे पाए और ना ही कोई टेक्नोलॉजी इस काम को आसान कर पाई है। आज भी ज़मीन के अंदर पेट्रोल, डीजल से लेकर कोयले और हीरे की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जाता है। इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी और महंगी ड्रिलिंग मशीन्स की मदद ली जाती है और ये भी पता लगाना मुश्किल है कि कितनी गहराई तक खुदाई करके खनिज का पता लग पाएगा। इसलिए आज भी हमारे देश में कई खनिज भंडारों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं हमारे देश में अभी तक खनन की सही टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, भारत की बात कर रहे हैं। अब भले ही देश में लिथियम का भंडार मिल गया हो लेकिन भारत को लिथियम निकालने और इसे शुद्ध करने का कोई अधिक अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। ये लिथियम चट्टानों और अन्य खनिजों के साथ मिला हुआ है। इसमें दूसरे केमिकल मिलाकर प्रोसेसिंग करके और मैग्नेट के साथ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज को हटाकर इस्तेमाल लायक बनाना होगा। भारत ने ऐसा कभी किया नहीं है और ना ही उसके पास इसका कोई अनुभव है और ना ही हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट लिथियम की। ऐसे में हम अपने इन संसाधनों का कितना लाभ उठा पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब सरकार को या तो खुद ही इस तकनीक को डेवलप करना होगा या उसे दूसरे देशों की मदद लेनी होगी। सरकार इस बारे में क्या फैसला करती है उसके ऊपर हमारे देश का फ्यूचर निर्भर करेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सरकार देश में मिल रहे इन संसाधनों का सही इस्तेमाल कर पाएगी? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर लिखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। अब तक आप सबका इस वीडियो के अंदर बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। भाई ऐसे ही तो नहीं ना लोग कहते थे कि जो पुराने दौर के लोग थे ना वो कहते थे इंडिया सोने की चिड़िया है। ये तो सुनने में आता था। आज इस वीडियो को देखकर आइडिया हो गया कि वाकई में ही इंडिया एक गोल्ड स्पैरो है और जो है गोल्डन स्पैरो है जिसमें आपको फुल ऑफ कॉस्टली मिनरल्स आपको मिलेंगे एंड अर्थ मटेरियल्स और बहुत कुछ जो कि इससे पहले अगर हम देखें तो प्रीवियस जो गवर्नमेंट है उन्हों को ये मालूम ही नहीं था, उनको आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर इंडिया मतलब कि सुनने में तो आता था कि गोल्डन स्पैरो है बट ये सुनने को नहीं मिला कि कभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वर्क किया हो, कोई रिसर्च की हो। बट अब इन मोदी गवर्नमेंट हम देख पा रहे हैं कि ये रिसर्च हो रही है, पता चल रहा है कि ओडिशा जो है वहां पर आपको गोल्ड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो इंडिया में जो है अब लोग गोल्ड वगैरह जो है उसमें से निकाल सकेंगे। मतलब कि
इतना गोल्ड है कि आप पहले इम्पोर्ट कर रहे थे अदर कंट्रीज से, आप क्योंकि इंडिया में जाहिर सी बात है गोल्ड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज होता है, बाय करते हैं लोग, सेव करते हैं, तो आप जो लोग हैं वो गोल्ड दूसरी कंट्रीज में जो है वो सेव करने की, मतलब कि आप भारत के पास इतना गोल्ड आ जाएगा कि वो दूसरी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर सकेगा एज यूजुअल, जैसे दूसरी चीजों को वो एक्सपोर्ट करते हैं। सो गाइज मैं ये कहूंगी कि ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करती है और इसको गोल्ड को निकालती है तो जाहिर सी बात है उससे काफी ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और यू नो रिचेस्ट होगा। अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि अफगानिस्तान इतना गरीब कंट्री है, पाकिस्तान भी गरीब है, मतलब कि अब जो करंट सिचुएशन चल रही है वो अलग बात है कि 1947 से 80 तक पाकिस्तान बहुत अच्छा खासा कंट्री था, रिचेस में समझो आता था क्योंकि इतनी अच्छी उसके पास पैसा वैसा हर चीज थी और डॉलर भी इतना अपर लेवल पर नहीं था, लेकिन अब देखें तो अब ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास गोल्ड है, खजाने हैं भाई, खजाने बलोचिस्तान में खजाने हैं, तांबा गोल्ड हर चीज, और फिर साथ में अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है तो फिर जाहिर सी बात है उनको भी, उनके पास भी गोल्ड है, तो अगर ये सही तरीके से यूज कर लिया जाए इन सारी चीजों को तो सोचो कितना पैसा होगा पाकिस्तान के पास, अफगानिस्तान के पास, के ये अरब कंट्रीज को भी मतलब कि उसको मैच कर सकते हैं, और अगर ये सही तरीके से इसका यूज करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में पाकिस्तान भी रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल हो सकता है और अफगानिस्तान भी, क्योंकि कुदरती चीजें आपके पास मौजूद हैं, अगर अरब कंट्रीज के पास ऑयल मौजूद है तो हमारे पास गोल्ड है भाई, गोल्ड और तांबा जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और ऑयल भी मेरे ख्याल से मौजूद है जहां तक मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत, तो अगर सही तरीके से हम यूज करें तो हम भी अमीर हो सकते हैं और गरीब नहीं है, वही कहते हैं ना कि आपके पास एक दिमाग है तो आपको, दिमाग तो हर किसी को दिया है, उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए, जो सही जगह पर यूज करता है वो आगे निकल जाता है, जो गलत तरीके से यूज करता है वो पीछे रह जाता है, तो सेम वैसे ही अगर हमें चीजें तो हमारे पास भी मौजूद है लेकिन उसको खोजे कौन, निकाले कौन, यू नो, और नमक की कान हमारे पास मौजूद है, बहुत कुछ है, पाकिस्तान तो मतलब कि कुदरती नेचुरल मटेरियल से इतना कुछ, मिनरल्स इतना कुछ भरपूर भरा हुआ है कि हम उसको जितना भी बोले वो कम है। बाकी ओवरऑल अच्छा लगा वीडियो देखकर के भारत में जो जगन्नाथ जो सिटी है, जगन्नाथ मंदिर वहां पर मौजूद है भाई, नगरी है जगन्नाथ की, तो वहां पर गोल्ड, मतलब यकीन हो गया कि जगन्नाथ जी की कृपा है वहां पर, जो इतना ज्यादा गोल्ड वहां पर देखने को मिल रहा है, और अभी तो किस्मत जाग जाएगी अगर इसके ऊपर वर्क कर लिया जाए, और इसके अलावा कर्नाटका में कहते हैं कि गोल्ड जो है वो है काफी क्वांटिटी में और निकाल भी रहे हैं, तो वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। सो गाइस क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आई थिंक कि 1947 से पहले पाकिस्तान ये सारा तो भारत ही था ना, तो इसीलिए ये गोल्डन चिड़िया है, पाकिस्तान भी समझो गोल्डन ही है, बट इसको खोजे कौन, और अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट कहीं लिंक करता है, तो इसीलिए गंधारी से ना, गंधारी से मुझे याद आ रहा है गंधारी, सो यस यस आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना We'll be right back.